नमस्कार दोस्तों, टारगेट है सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर से भर्ती विज्ञापन आ चुका है। भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल का दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, सेंटर गवर्नमेंट की जॉब है। और दोस्तों इसमें बात करें पोस्ट की तो लैब टेक्नीशियन के लिए इसमें पोस्ट शामिल है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी में जुड़ सकते हैं, वहां से आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो पाएंगे और दोस्तों इजी तरीके से आप ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। हमारे द्वारा दोस्तों जितने भी भर्ती विज्ञापन की जानकारी दी जाती है वो सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की। और दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन प्रोजेक्ट बेसिस पे जारी हुआ है, देख सकते हैं 9 सितंबर को भर्ती विज्ञापन पब्लिश किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिपमेर पौंडीचेरी से दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की तो नेम ऑफ द पोस्ट में देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए ये पोस्ट रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट एक शामिल है और एज क्राइटेरिया में देख सकते हैं 30 ईयर्स आपको एज लिमिट दिया जा रहा है। सैलरी दोस्तों आपको 18,000 रुपये फिक्स पर मंथ दिया जाएगा। और इसमें दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की तो देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास BSc कंप्लीट होना चाहिए या फिर दोस्तों आपके पास यदि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और दोस्तों इसमें जो कैंडिडेट हाई स्कूल कंप्लीट किए हैं विद 5 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ, आपके पास दोस्तों 10th कंप्लीट है और 5 साल का लैब एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और दोस्तों भर्ती विज्ञापन प्रोजेक्ट बेसिस पे है, इसका ड्यूरेशन आपको 1 साल के लिए इसमें पोस्टिंग दी जाएगी, इसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं आपको बताया भी गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी दोस्तों 1 साल के लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना आवेदन जमा कर पाएंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेंड दियर फिलेड एप्लीकेशन ऑनलाइन। दोस्तों आपको केवल ऑनलाइन ही अपना आवेदन जमा करना होगा। इसके लिए आपको समय बताया गया है 30/9/2023 तक आप अपना आवेदन जमा कर पाएंगे। शाम को 4 बजे तक आपको इसमें समय दिया जा रहा है। और दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया जा रहा है, इस गूगल फॉर्म के माध्यम से आप अपना आवेदन जमा कर पाएंगे। ये PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। और आपको ये गूगल फॉर्म लिंक में क्या क्या अटैच करना है ये भी आपको बताया जा रहा है। आपको दोस्तों अपना CV विथ वैलिड ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर स्कैन फोटो, आपको अपना एक फ़ोटो अटैच करना है। प्रूफ आप एज के लिए आप अपना 10th की मार्कशीट उसमें अटैच कर सकते हैं। और इसको आपको PDF फॉर्मेट में अटैच करना है। डिग्री सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके करना होगा दोस्तों, इसे भी आपको PDF फॉर्मेट में करना है। साथ में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। SC ST OBC सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन, आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा और इसे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके PDF फॉर्मेट में अटैच करना है। 10th 12th में डिप्लोमा UG PG डिग्री डिप्लोमा आपको उसमें अटैच करना होगा PDF फॉर्मेट में। तो दोस्तों ये PDF डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से और देख पाएंगे। और जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। आपका दोस्तों ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके लिए आपको ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पर ज्वाइन हो पाएंगे और नोटिफिकेशन का PDF आप इजी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे।